पानी भर लो। पता नहीं कब ये पानी का संकट खत्म होगा। मेरी तो ये टैंकर के पानी पी पी के हालत खराब हो गई है। भूल जाइए पानी पीना, नहाना धोना, खाना पकाना, आ रही है संकट की घड़ी। बढ़ता ही जा रहा है बेताज शहर के पानी का संकट। लोग टैंकर का पानी पी पी के पड़ रहे हैं बीमार। ओहो, ये पानी का संकट, कोई कुछ करता क्यों नहीं? वीर पानी की जय हो। 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 वीर पानी बॉस, हमारा धंधा जोर से चल रहा है। नल के पानी को बोतल में भर के हम मिनरल वाटर बना बना कर खूब पैसे कमा रहे हैं। और जो लोग बोतल नहीं खरीद सकते वो हमारे टैंकर्स का पानी खरीद खरीद कर पी रहे हैं। वीर पानी बॉस, बेताज शहर में जिस पाइपलाइन से पानी आता है वो हमने दोबारा तोड़ दिए। वो जितनी बार रिपेयर करेंगे हम फिर तोड़ देंगे। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। जब तक रहेगा विदास सिटी में पानी का संकट, तब तक मैं उन्हें अपना पानी बेच बेच के पिलाता रहूंगा। ध्यान रहे, विदास सिटी में पानी का संकट खत्म ना होना चाहिए। बॉस, अब बहुत दिन हो गए, यहाँ से चलना चाहिए, किसी को शक ना हो जाए। शक कैसे होगा, हमारे टैंकर्स और मिनरल वाटर की बोटल्स पर अलग अलग कंपनीज के नाम लिखे हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये एक ही आदमी के हैं। इसे कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। ये टैंकर तो सारे अलग अलग कंपनीज के हैं, लेकिन एक ही दिशा में क्यों जा रहे हैं? इन सबका ऑफिस तो अलग अलग होना चाहिए। तो चलो पता लगाते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, तुम पक्के सड़क से आओ। ओके शिवा, ऑल द बेस्ट। बच्चा कौन है? बहुत देर से पीछा कर रहा है, अभी देखता हूँ इसे। पूरा का पूरा रैकेट है, सारे टैंकर एक ही आदमी के हैं
और पानी भी जंगल की पुरानी पाइपलाइन से भर रहे हैं, जो जरूर अंदर से डैमेज होगी, तभी सब लोग पानी पी पी कर बीमार पड़ रहे हैं। ए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? पकड़ो इस लड़के को, ये हमारी जासूसी कर रहा है। पकड़ो उसे, बच कर जाने ना पाए। तगड़ो बॉस, पकड़ो उसे। अंकल आ जाओ, अभी से रुक गए। लड्डू सिंह जी को खबर करनी होगी। तुम लोग पहाड़ी वाली गुफा पे चले आओ, वो बच्चा वहीं छुपा हुआ है। मुझे पैसों का कोई लालच ना है लड्डू सिंह जी, मैं तो गरीबों को फ्री में पानी दूंगा। आप जिस जिस को बोलोगे उस उसको फ्री पानी दूंगा, किसी को पानी की कमी ना होनी चाहिए। वाह वाह, क्या सोच है आपकी। आप तो पुरुष नहीं है, महापुरुष है महापुरुष। कितने ऊंचे विचार हैं आपके। वाह, आप जैसे भले लोगों की वजह से ही ये दुनिया कायम है। अब के करूं, मारा तो दिल ही ऐसा है, मैं किसी को भी परेशानी या मुश्किल में नहीं देख सकता। हेलो, लड्डू सिंह स्पीकिंग। आई क्या मेरे इलाके में चोरी? क्या कह रहे हो शिवा? हाँ, यस यस। क्या कहा? अच्छा तो ये बात है, मैं अभी आता हूँ शिवा। देखिए देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं। एक आप हैं जिन्हें दूसरों का इतना ख्याल है, और एक चोर लोग हैं जो पानी का रैकेट चला रहे हैं। लेकिन मेरा नाम भी लड्डू सिंह यूं ही फेमस नहीं हुआ। यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी करता है तो लोग कहते हैं चोरी छोड़ दो वरना लड्डू सिंह आ जाएगा, और वो चोरी छोड़ के शरीफ इंसान बन जाता है। वाह कमाल है, आपको भी मेरे बारे में पता चल ही गया। अब मैं जाता हूँ, शिवा पहाड़ियों में कहीं छुपा हुआ है, मुझे जाके चोरों को पकड़ना है जो पानी का संकट पैदा करके हमारा ही पानी चोरी करके हमें बेच रहे हैं। उनके ठिकाने का पता शिवा को चल गया है। अभी जाके सबको पकड़ता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, फौरन जाकर पकड़िए ऐसे बदमाश लोगों को, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।